हेलो एवरीवन एंड अंबुबाची मेला में एक्चुअली अंबुबाची के बारे में आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई नो इवन मेरे मन में भी है. एंड टू क्लियर ऑल ऑफ देम आई हैव गुरुजी विथ मी. सो गुरुजी, तो चलिए गाइस, हम जानते हैं इस मंदिर का ऐसा क्या वो रहस्य है जो इस मंदिर को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि मतलब यू नो यू कैन नॉट इवन इमेजिन. तो इतना ज़्यादा पावरफुल के का कुछ एक ऐसा रहस्य अभी हम जानेंगे. तो चलिए गुरुजी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं. वो मन में क्वेश्चन रखने से पहले हम आपसे पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि ऐसा क्या रहस्य है यहाँ, मतलब इस मंदिर का, जो मतलब लोगों का इतना ज़्यादा अटेंशन केंद्रित करके रखा हुआ है. ऐसा क्या, मतलब एक ऐसा रहस्य जो मतलब आम जनताओं को बिल्कुल भी नहीं पता है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो साधना करते हो आप लोग ही मतलब इन चीज़ों को जान पाए हो अभी तक. बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है. देखिए, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं आकर साधना की है. हाँ, अच्छा. और जितना भी तंत्र है, जो कहते हैं तंत्र की पोटली, तंत्र की पोटली भगवान भोलेनाथ यहीं पर छोड़ दिए हैं. तंत्र की पोटली, हाँ, जो तंत्र एक्चुअली में जो तंत्र की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ ने ही की है. अच्छा. आप कोई भी तंत्र की बुक पुस्तक उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें माता पार्वती और शिव जी का ही संवाद मिलेगा, और किसी का संवाद आपको मिलेगा नहीं. बिल्कुल. तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का ही जो पूरा तंत्र की देवता माने तो जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना कि शिव जी ही अघोर पंथ सब शिव जी की ही परंपराएं, शिव परंपराएं से ही है. तो सारा जो तंत्र है वो यहाँ पर भोलेनाथ जी यहीं पर जो है अपनी पोटली छोड़ के चले गए, यहीं छोड़ दिए थे. अच्छा. और सबसे 51 शक्ति पीठों में सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को यही स्थान पसंद है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी स्थान से लगाव रहता है भोलेनाथ को. अच्छा. और अदृश्य रूप में भगवान भोलेनाथ भी माता के भक्तों को, अपने भक्तों को यहाँ से आशीर्वाद देते हैं, उन पर कृपा करते हैं सबसे ज़्यादा. और चूँकि एक्चुअली में आज के समय में ये कलयुग है. बिल्कुल. और कलयुग में कोई भी सात्विक चीज़ों का बोलबाला नहीं रहा है. यहाँ जितना आप तंत्र की तरफ जाएंगे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा. तो ये मेन तंत्र का, इसको कह सकते हैं मेन स्थान है पूरे विश्व में. अच्छा. तंत्र का मेन स्थान कामाख्या धाम. तो इसलिए तांत्रिकों का ये दिव्य स्थल जो मैंने आप लोगों को अभी तक की नॉलेज के हिसाब से बताया और था. दूसरा कि मैं भी एक बात और आपको बता दूं, आजकल चमत्कार को ही नमस्कार है. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली चमत्कार, तो जितने भी चमत्कार होते हैं सब माता की ही कृपा से होते हैं. अन्य जगह तो हर जगह किले थे, यहाँ पर किलित नहीं है. इसलिए आप यहाँ पर कोई भी मंत्र जपते हैं उस मंत्र की तत्काल सिद्धि हो जाती है. ओहो, बहुत तो समय मतलब नहीं लगता है. अच्छा. जैसे सोचिए कि अगर हम लोग जो हिमालयस में जाके जो लोग करते हैं, जैसे कैलाशनाथ पर्वत हो गया, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा. अच्छा. और यहाँ जो है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पा जाएंगे आप. ओके. ये यहाँ की खासियत है. मैं ये बहुत अच्छी खास बात है. अगर कोई मुझे अघोरीज भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा मतलब सिद्धियाँ यहाँ वहाँ से तो प्राप्त करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट वे मिल सकता है कि यहाँ पे आपको बहुत ही कम समय में वो सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी जो मतलब कहीं और आपको वो शक्तियाँ पाने के लिए बहुत टाइम लग सकता था. तो ये है वो रहस्य क्यों कि मतलब शिव जी की जो पोटली है वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, एंड ये तंत्र की जो पोटली है वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, और वो तंत्र का कंप्लीट भंडार है. आप यहाँ पे जो ढूंढने के लिए आए हो वो आपको ज़रूर मिलेगा. अगर आप भगवान की पूजा करने के लिए आए भगवान मिलेंगे, अगर आप यू नो नॉर्मली दर्शन के लिए आते हो तो आपको वो दर्शन भी देंगे, सब कुछ मिलेगा. तो इसी के साथ अभी हम इनके एक और क्वेश्चन की